हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स सिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि पॉपुलिस्ट आंदोलन पर एक लेख लिखें अथवा पॉपुलिस्ट आंदोलन क्या है इस पर एक निबंध लिखें। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे, आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। अच्छे गुणवत्ता वाले फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण खराब गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादित वस्तुओं का भाव गिर गया। कीमतें गिरने से किसान की स्थिति बिगड़ रही थी, वह कर्ज में डूब रहे थे। सरकार की कुछ आर्थिक नीति जो किसानों के हितों में अच्छी नीति नहीं दिख रही थी। पॉपुलिस्ट आंदोलन कृषकों के द्वारा अपने हित की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो पॉपुलिस्ट आंदोलन था वह किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो अपने हित में चलाया था। यह आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि जब अच्छे गुणवत्ता वाले वस्तुएं के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो गई तो जो खराब गुणवत्ता वाले वस्तुएं थी उनका कहीं ना कहीं भाव पूरा गिर गया। यानी कि जैसे आप इस प्रकार से समझो, मान लीजिए किसी वस्तुओं की जो मांग है वो 100 kg है। अगर हम उस वस्तु को 100 kg के स्थान पर 200 kg दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वस्तु अधिक हो जाएगा, और जब वहाँ पर वस्तु अधिक हो जाएगा तो उनका कीमत तो गिर ही जाएगा। यानी कि इसमें यह हुआ कि जो अच्छे गुणवत्ता वाले फसलें थे उसका उत्पादन बहुत अधिक हो गया, तो जो खराब गुणवत्ता वाले वस्तु थे तो उनका जो है भाव पूरा गिर गया, जिसके कारण जो किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और इसी कारण से जो है किसानों ने अपने हितों के लिए आंदोलन किया था, जिन्हें पॉपुलिस्ट आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों में किसानों के प्रति जो नीति लागू किया था वह नीति जो है किसानों के हित में अच्छी नहीं थी, जिसके कारण भी किसानों ने सरकार के विरुद्ध पॉपुलिस्ट आंदोलन को किया था। उसके बाद है, इसी समय अमेरिका के राजनीतिक में भी अनेक विरोधी दलों का जन्म या उत्पत्ति हुआ जिसके नेतृत्व किसानों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही 1896 के चुनाव में जो वर्ग असंतुष्ट थे उन्होंने जमकर प्रशासन का विरोध किया। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारण, यानी कि पॉपुलिस्ट आंदोलन के क्या कारण थे। तो इसका पहला कारण था प्राकृतिक प्रकोप। सुखाड़ आने तथा अन्य टिड्डी दलों के उतरने से फसल नष्ट हो जाती थी। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब कभी सुखाड़ आता था तथा अन्य टिड्डी दल क्या होता है, तो जैसे कि आप देखते हो कि जब फसल लगाया जाता है तो उसमें जो कीट फटिंगे बैठती है जो फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है तो हम उसे टिड्डी दल कहते हैं। तो इस प्रकार से जब सुखाड़ आता था और जब टिड्डी दल उतरता था, इससे पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया जाता था। सूखे का प्रकोप ज़्यादातर मिसिसिपी वेस्ट की दूसरी ओर अधिक पड़ता था। अनेक स्थान है मिसिसिपी वेस्ट, उधर जो है सुखाड़ की समस्या अधिकतर होता था। कई बार तो किसानों को रोजगार के लिए दूसरे स्थान जाना भी पड़ता था। टिड्डी दलों के फसलों में आने के कारण कई बार फार्म के पूरे फसल खत्म हो जाते थे। यानी कि जब जो है कीट फटिंगे बहुत अधिक फसलों पर बैठते थे तो फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, है ना। इस प्रकार से दक्षिण के हरे भरे क्षेत्र की स्थिति अत्यंत खराब कर देता था। इस प्राकृतिक प्रकोप से किसान बिल्कुल परेशान हो जाते थे। यानी कि जब टिड्डी दल उतरते थे या सुखाड़ आते थे तो पूरे फसल को नष्ट कर दिया जाता था। दूसरा पॉइंट बनाना है कीमतों में कमी। खेती में उत्पादन होने वाले फसलों की कीमतें लगातार कम होती जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को अधिक उत्पादन के बावजूद भी कम कीमत मिल रही थी। मक्का तथा कपास के कीमत में भी कमी आ गई थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि खेती में उत्पादन होने वाले फसलों की कीमत जो है दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से कम होता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों को अधिक उत्पादन के बावजूद भी उन्हें कम कीमत मिल रही थी। जैसे कि कपास मक्का की कीमत में भी कमी आ गई थी। कीमतों में कमी का प्रमुख कारण यह था कि जितनी वस्तुओं की मांग होती थी उससे अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जैसे किसी भी वस्तु का मांग 100 kg है तो उसके स्थान पर 200 kg उत्पादित हो जाती थी वस्तुएं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उस वस्तु का कीमत गिर जाता था। मान लीजिए किसी भी वस्तु की मांग 100 kg है लेकिन उसके स्थान पर हम अगर 50 kg भेजते हैं, वहाँ पर जो है वस्तु की कमी हो जाएगी और वहाँ पर जो है वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। लेकिन जब 100 kg वस्तु का मांग है, फसल का मांग है, और वहाँ पर हम 200 kg फसलों को भेज देंगे तो कहीं ना कहीं जो फसल है, जो वस्तु है, उसकी कीमत में गिरावट आएगी। यहाँ पर जो है अधिक वस्तुओं का
उत्पादन हो जाता था, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो फसल का कीमत है वह गिर जाती थी। उसके बाद जो है इसे निर्यात करना ही एकमात्र उपाय था। निर्यात में उसे रूस, कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करनी पड़ती थी। यानी कि जब फसलों की उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो जाती थी तो जो है वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाती थी। तो इनके पास केवल एक ही उपाय था कि वह अन्य विदेश राष्ट्रों के साथ व्यापार करे, है ना। इन देशों का भी उत्पादन 1880 से 1900 ईस्वी तक काफ़ी बढ़ चुका था, अतः अनाज की कीमत इतनी घट चुकी थी कि उत्पादन में जो खर्च होते थे वह भी पूरा नहीं हो पा रहा था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जिन देशों में ये लोग व्यापार करते थे उन देशों में 1880 से 1900 ईस्वी तक फसलें जो है बहुत अधिक उत्पादन होने लगी थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर भी वस्तुओं की मांग बहुत कम गई थी। और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अधिक वस्तुएं पहुँच जाने के कारण वस्तुओं की कीमतें में गिरावट आती थी। इस समस्या का समाधान अंततः फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने न्यू डील द्वारा समाधान करने का प्रयास किया। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट कौन था? तो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति को लागू किया। न्यू डील क्या था? न्यू डील एक ऐसा नीति था जिसके आधार पर जो है आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करना चाहता था। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है टैक्स का अधिक होना। टैक्स लेने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति जैसे जमीन, पशुओं वगैरह पर लगाई जाती थी। जब किसानों द्वारा किसी से भी फसल लगाने के लिए कर यानी टैक्स लिया जाता था तो किसानों को उनके बदले अपनी जमीन और मकान के कागजात को जमा कराना होता था। किसानों के जो व्यक्तिगत संपत्ति होते थे जैसे जमीन, पशु वगैरह, तो क्या करता था कि जो किसान किसी से भी कर्ज लेता था तो उनके बदले जो है अपने मकान का जो कागजात होता था उनको गिरवी रखना पड़ता था, उसके बाद उन्हें कर्ज दिया जाता था, है ना। और इस प्रकार से जब वह कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो उनका मकान पर जो है जो कर्ज दिया हुआ रहता है उनका अधिकार हो जाता था। तो इस प्रकार से किसानों के दिन प्रतिदिन जो है स्थिति दयनीय होती चली गई और आगे चलकर यही पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ। लेकिन बाद में टैक्स देने के लिए नई नीति लागू किया गया जिसके आधार पर किसानों से उनकी निजी संपत्ति का शेयर तथा बॉन्ड करवा लिया जाता था ताकि कर्ज को आसानी से वसूल किया जा सके। राजनीतिज्ञों पर अवैध तथा अवैध तरीकों से दबाव डाला जाता था कि इन करों में सरकार से छूट दिलवाए। ये किसान जो थे कहीं ना कहीं जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो राजनीतिज्ञों से सहायता मांगते थे। चौथा पॉइंट बनाना है ढुलाई का भारी खर्च। कम कीमत और महंगी ढुलाई ने किसानों को हिला कर रख दिया। रेलवे कर्मचारियों के असहयोग ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। ढुलाई का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। यानी कि चौथा कारण था ढुलाई का भारी खर्च हो जाता था किसानों से। कैसे? जैसे कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था तो उनमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो भाड़ा होता था वो बहुत अधिक बढ़ा दिया था, इससे किसानों को काफ़ी घाटा लग रहा था। वे पश्चिम के किसानों से पूर्व में ले जाने में बहुत अधिक भाड़ा लेते थे। भंडार गृह रेल कर्मचारियों के हाथ में बहुत अधिक थे। वे पक्षपात भी बहुत करते थे, जैसे पश्चिम किसानों से पूर्व की किसानों के अपेक्षा ज़्यादा भाड़ा लिया जाता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किसानों द्वारा पूर्व से पश्चिम में ले जाने के लिए किसी भी वस्तु को अधिक भाड़ा देना पड़ता था। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि जो रेल कर्मचारी होते थे वह एक दूसरे के साथ पक्षपात करते थे। पक्षपात मतलब होता था जो पश्चिम के लोग होते थे और जो पूर्व के लोग होते थे उन दोनों में से पश्चिम के जो लोग होते थे उनसे अधिक भाड़ा लिया जाता था और जो पूर्व के किसान होते थे उनसे कम भाड़ा लिया जाता था। उसके बाद जो है 1887 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया रेल रीद पर शिकागो से पूर्व की ओर प्रति टन प्रति मील ढुलाई भाड़ा 95 सेंट था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किसी भी वस्तु को पूर्व से पश्चिम ले जाने के लिए जो भाड़ा लगता था वो प्रति मील ढुलाई जो है 95 सेंट लगता था प्रति टन। प्रति टन मतलब 1000 किलो कोई भी वस्तु को ले जा रहा है एक मील यानी 1600 मीटर तो उसका भाड़ा जो लगता था वो 95 सेंट लगता था। 95 सेंट मतलब जैसे कि 100 सेंट बराबर $1 होता है, है ना। तो इस प्रकार से 95 सेंट लगता था यानी कि 50 सेंट बराबर आधा डॉलर होता है। उसी प्रकार से जो है प्रति टन प्रति मील ढुलाई पर 95 सेंट लगता था। यानी कोई भी वस्तु को 1600 मीटर ले जाता है और वह वस्तु एक टन है यानी 1000 केजी है तो उसकी कीमत कितनी पड़ती थी? 95 सेंट यानी $1 से थोड़ा कम।
वेलिंगटन रेल रोड पर शिकागो से मिसौरी रिवर तक 132 सेंट था, ठीक है। और उसके बाद जो है मिसौरी से पश्चिम की ओर वेलिंगटन रेल रोड पर यह किराया $4.80 था। रेलवे कंपनी का तर्क था कि कम जनसंख्या वाली जगहों के लिए अधिक भाड़ा है। पांचवा पॉइंट है कि कर्ज का प्रभाव। किसानों ने भूमि तथा मशीन खरीदने के लिए 15-20% ब्याज की दर पर बड़ी राशियां कर्ज के रूप में ली थी, परंतु कम आमदनी की वजह से उसे चुकाना संभव नहीं हो रहा था। ऋण की रकम बढ़ जाने पर किसानों को अपनी भूमि तथा पशु गिरवी रखनी पड़ती थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किसान जो है कृषि करने के लिए जो मशीन को खरीदते थे उनके लिए वो कर्ज लेते थे, वो कर्ज लेने पर उनको ब्याज के रूप में जो कर्ज लिया जाता था वो 15-20% लिया जाता था। 15-20% ब्याज लेने के कारण किसानों को जो है अधिक ब्याज देना पड़ता था, लेकिन जो है किसानों की जो है कृषि से आमदनी होती थी वो बहुत कम होती थी, जिसके कारण वह कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। 1890 ईस्वी में कुल फार्मों में से 27% गिरवी पड़े थे। यानी कि जब किसानों ने अधिक मात्रा में कर्ज लिया और वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा, कर्ज नहीं चुका पाया, जितने भी फार्म थे 1890 में कुल फार्मों का जो है 27% गिरवी पड़े हुए थे कर्ज के कारण। कहा जाता है कि 1890 ईस्वी में साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मिनीसोटा तथा कंसास में हर परिवार से कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ा था। ये कर्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे तथा किसानों को अपने नियंत्रण में करते जा रहे थे। जब किसानों का कर्ज बढ़ता जाएगा, जब वह अपना कर्ज को नहीं चुकाएगा, तो जो उनकी निजी संपत्ति है उनको गिरवी रख लेगा, है ना। छठा पॉइंट है कि सरकारी सहायता पाने में असमर्थ। 1890 ईस्वी में किसानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी थी, फिर भी तत्कालीन फेडरल विधानमंडल या राज्य के विधानमंडलों में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1890 ईस्वी में किसानों की जो जनसंख्या थी कुल जनसंख्या का आधी हो चुकी थी। यानी कि मान लो आप अगर 1 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से 50 लाख जनसंख्या केवल किसानों की थी, है ना। लेकिन जो है इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी फेडरल विधानमंडल जो था या राज्य के विधानमंडल में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था जो उनके हित के लिए बात करे। जब उनके हित के लिए बात नहीं करेगा तो किसानों पर तो कोई ध्यान देगा ही नहीं। तो यही सबसे बड़ी गलतियां थी, अतः उनके हितों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इनमें प्रायः बैंकरों तथा रेल रोड कंपनी के प्रतिनिधि थे, जो बैंकरों, साहूकारों तथा व्यापारियों को लाभ ना पहुँचा सका। संरचनात्मक टैरिफ कानून से व्यापारियों को लाभ हुआ। किसानों को हर चीज़ की अधिक कीमत देनी पड़ती थी। 1900 ईस्वी तक की जितनी भूमि किसानों को मकान बनाने के लिए मिल सकी उससे अधिक भूमि रेल रोड कंपनी द्वारा बेची जा चुकी थी। साथ में यह कहा गया है कि 1900 ईस्वी तक जितनी भूमि किसानों को मकान बनाने के लिए मिल सकी थी उससे अधिक भूमि जो है रेल रोड कंपनी द्वारा बेची जा चुकी थी, आप समझ सकते हो। इन सभी कारणों से किसानों में भारी असंतोष बढ़ चुकी थी। उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं को संगठित किया तथा आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि जब उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी तो किसान मजबूर हो गए थे विद्रोह करने पर, जिसके कारण किसानों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन में कहा गया कि वह भी अपने असंतोष को, वह भी अपने हित की मांग करेगा। और इस प्रकार से जो है पॉपुलिस्ट आंदोलन था उसमें किसानों की भागीदारी अधिक देखी जाती है। और किसानों ने यह आंदोलन किया था ताकि उनके हित के लिए कार्य हो और उन्हें लाभ मिले, उनके लिए कानून बनाया जाए ताकि कृषि के क्षेत्रों में उन्हें लाभ हो। 1867 ईस्वी में ओलिवर केली नामक एक क्लर्क ने किसानों का संगठन बनाया जिसे ग्रेज के नाम से जाना जाता है। किसानों का जो संगठन बनाया था 1867 ईस्वी में वो था ओलिवर केली। ग्रेज का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक था। समाज के अंतराल में ग्रेज आंदोलन की उपयोगिता बढ़ती जा रही थी। यानी कि जो है केली ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था ग्रेज। और ग्रेज का क्या उद्देश्य था? तो ग्रेज का उद्देश्य यह था कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ये कोर्स 6 का अंतिम क्वेश्चन था। आप अगर इससे अधिक क्वेश्चन को जानना चाहते हो तो मैंने जो PDF नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल मैं आप लोगों को करा दूंगा, उसके बाद जो है आप लोगों का कोर्स 7 का कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी कोर्स 7 में भी 23 क्वेश्चन है तो उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा 8 to 10 क्वेश्चन उसमें भी करवा दिया जाए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।